यहाँ हम एक वर्णन करते हैं, एक प्रश्न बनता है कि जालपा को अत्यंत प्रिय वस्तु क्या थी और क्यों थी। मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन प्रश्न बनकर सामने आता है, एक दीनदयाल के पुत्र जालपा को सबसे प्रिय वस्तु थी आभूषण, आभूषणों से वो खेला करती थी, गहनों में से चंदनहार सबसे प्यारा था। दीनदयाल जब भी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई गहना अवश्य लाते थे, गुड़िया और खिलौनों में वे खेलती थी, नहीं थी बिल्लोर का हार जो अपने निशाती में लिया था वह सबसे प्रिय खिलौना था। असली चंद्रहार तो कभी उनके मन में उदय भी नहीं हुआ था। एक बार दीनदयाल अपनी पत्नी मानकी के लिए चंद्रहार लेकर आए थे और इस चंद्रहार को देखने के बाद जालपा के मन में चंद्रहार अपने भी गले में पहनने की लालसा पैदा हो गई। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तेरा ससुराल पक्ष से जब तेरी शादी होगी, जब चंद्रहार आएगा, इसी बात की लालसा हमेशा वो करती है। पिता ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि अब नहीं तो फिर कभी ला देंगे। उसकी माँ ने कहा कि अभी तू चंद्रहार लायक पहनने के लिए तेरी उम्र नहीं है बेटी, थोड़ा सब्र कर और जब समय आएगा जब तेरे लिए हम बनवा देंगे, तेरे ससुराल चले आएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ विद्यार्थी ये है कि प्रेमचंद जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि छोटी उम्र में लड़कियों के मन में जो गहनों के प्रति आभूषण हम पैदा कर देते हैं, ये क्या गारंटी है कि आगे चलकर ससुराल पक्ष उसका उन गहनों की उन आभूषणों की व्यवस्था कर देगा। इस तरह के बीज बच्चों के मन में कभी नहीं बोने चाहिए कि वो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। और जालपा के मन में जो उसकी माने चंद्रहार की जो जिज्ञासा पैदा की कर दी, ललक पैदा कर दी, वो कितनी घातक साबित होती है आगे चलकर, यह शायद उसको भी पता नहीं था। इसलिए बच्चों के मन में वही बात पैदा करनी चाहिए जिन्हें हम आसानी से पूरा कर सकें। दूसरा हम देखते हैं कि दयानाथ के बारे में देख, दयानाथ का संक्षिप्त परिचय हम कर लेते हैं। दयानाथ सज्जन सत्य के पक्षकार थे, सहृदय व्यक्ति थे, न्यायालय में नौकरी थी, 50 रुपये मिलते थे, अदालत के वो कीड़े थे, कुशल व्यक्ति थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों बार काम पड़ा था, चाहते तो हजारों वसूल कर सकते थे पर कभी भी खदार नहीं हुए। दीनदयाल के साथ उनका यह सलूक न था, यह उनकी सहजता प्रकृति थी। ऊंचे आदर्शवादी व्यक्ति थे, वे अपनी बात नहीं थी लेकिन रिश्वत की वे हराम समझते थे, मतलब वो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति। जस्ट अपोजिट है उन्होंने अपनी आंखों कर रिश्वत का बुरा परिणाम देख चुके थे, किसी को जेल जाते और किसी को संसार संतान से हाथ धोते, किसी का बुरी आदतों में फंसते, मतलब रिश्वत के कुपरिणामों को दुष्परिणामों को वे जानते थे। इसलिए कभी उन लोगों ने रिश्वत पर ध्यान नहीं दिया, यानी रिश्वत के पक्षधर नहीं थे, एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति थे। आप देखिए कोर्ट में नौकरी करने के बाद भी, न्यायालय में नौकरी करने के बाद भी व्यक्ति अगर सही रास्ते पर है तो हमें कहना पड़ेगा कि वहाँ एक संस्कारवान व्यक्ति है। उन्होंने गलत तरीके से अर्जित धन कभी स्थिर नहीं रहता, वे जानते थे धन जैसे आता है वह उसी तरह समाप्त हो जाता है। वह बात के कभी नहीं भूलते, 50 रुपये वेतन के पर्याप्त नहीं थे, 5 आदमियों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। ऐसी विपन्नता में भी सत्यमार्ग से विचलित न होने वाले वह धैर्यवान व्यक्ति थे, अर्थात बहुत ही धीर गंभीर और ईमानदार व्यक्ति, और वो
पूर्णतः कुशल भी थे।